नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। ये हल्दी का पेड़ है, हमने गमले में लगा रखा है। आज मैं हल्दी का दूध बनाऊंगी। पेड़ को मिट्टी में से निकालेंगे और इसके नीचे से हल्दी निकालेंगे। गीली मिट्टी है तो इसको चाकू से इस तरह से निकाल लेंगे। ये इसके अंदर हल्दी की गांठें हैं। ये हल्दी पक चुकी है क्योंकि इसका पेड़ सूख गया है। अभी इसके अंदर से हल्दी निकालेंगे। ये इसमें से टूट गई हैं। ये देखो, इस तरह से हल्दी होती है। अब इनको तोड़ लेंगे। कच्ची हल्दी बहुत ही फायदा करती है। सारी हल्दी निकाल ली है गमले में से। ये 250-300 ग्राम के आसपास होगी। और ये जो गांठ है, ये हमने इसमें गाड़ी थी वो वाली गांठ है, तो इसको नहीं रखेंगे। एक गांठ इसमें हल्दी की गाड़ दो मिट्टी में, उसी से ये बहुत सारी हल्दी हो जाती है। अगर आप लगाना चाहें तो इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ये गमले में ही हो जाती है। इसके पके हुए सूखे पत्ते हैं, इनको साइड रख देते हैं। और इसको पानी से 4-5 बार अच्छे से धोएंगे क्योंकि इसके अंदर मिट्टी है। हल्दी को 5-6 बार पानी से धो करके साफ़ कर लिया है। ये देखो, एकदम से साफ हो गई है। इसके ऊपर से हल्का हल्का चाकू से छिलका उतार देंगे। इस तरह से 4 गांठ का छिलका उतारेंगे क्योंकि हमने 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध बनाएंगे हल्दी वाला। अब ये इसके छिलका निकाल दिए हैं और बची हुई ये हल्दी है, इसके भी छिलका निकाल करके इसका पेस्ट बना करके फ्रिज में रख देंगे। जब भी दूध पियेंगे तभी 1 चम्मच दूध में मिला लेंगे। अब इसको साइड रख देते हैं और इनको एक बार पानी से और धो लेते हैं। गर्म हो गया है, ये 1 लीटर दूध लिया है। हल्दी को इसमें ग्रेट कर देंगे। अगर आपको चोट लगी है या शरीर में दर्द है तो आप हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी की 4 गांठ ग्रेट कर दी हैं। इसको इसमें झड़ा देते हैं, दूध में उबाल लगाएंगे। दूध को हल्दी में इस तरह से चमचे से चला देंगे से हल्दी नीचे तले में चिपके नहीं। अब दूध में उबाल आ गया है, गैस कम कर देंगे और 10 मिनट तक इसको उबालेंगे जिससे हल्दी का पूरा अर्क इसमें आ जाए। दूध में और हल्दी में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और अगर जैसे हम रसोई में काम करते हैं, काम करते करते चाकू से कभी कभी उंगली या हाथ कट जाता है, तो तुरंत हल्दी पाउडर लगा लें तो घाव तुरंत ठीक हो जाता है। हल्दी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अगर जुकाम खांसी है, गला खराब है, तो भी हल्दी को पानी में उबाल करके गरारे करें तो इसमें आराम मिलेगा। और हल्दी वाला दूध पिएं तो वो बहुत ही फायदा करेगा। दूध उबल चुका है, अब इसको फेंट करके ठंडा करेंगे। तो ये जग लिया है, जग में इसको फेंटेंगे। इस तरह से 4-5 बार फेंटेंगे, उसी में ठंडा हो जाएगा। अब दूध ठंडा हो गया है, इसको चलनी में छानेंगे क्योंकि बच्चे बिना छाने नहीं पीते हैं। दूध ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब दूध छान लिया है, ये छानी हुई हल्दी है, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको दोबारा दूध उबालेंगे तब इसको यूज करेंगे। दूध को 2 गुना गुणवान बनाने के लिए इसमें डालेंगे शहद, 4 चम्मच शहद है, चीनी नहीं डालेंगे। शहद को चम्मच से मिक्स कर देंगे। हल्दी वाला दूध बड़े बूढ़े और बच्चों सभी को फायदा करता है। जिनका गुरु ग्रह कमजोर है उन लोगों को तो हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए। अब हल्दी वाला दूध बन करके तैयार है। अब हल्दी वाला दूध सर्व करते हैं। अब नमन पी करके बताएगा। टेस्टी। अब हल्दी वाला दूध बन करके तैयार है। आपको मेरा हल्दी वाला दूध बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो आप सर्दी में एक बार जरूर ट्राई करें। हल्दी वाला दूध बनाएं और सर्दी से खुद को बचाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।